देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 3.4 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको वही मैट्रिक्स फाइंड करना है, इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है? सॉरी, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो उसमें आपको ए गिवन है 2111। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। लेट कर लिया आपने ए इक्वल टू 2111। दिस वन मैट्रिक्स है। हाँ, एक कितने क्वेश्चन किया था अपन ने? तो दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये टू नहीं है, यहाँ पे वन नहीं है, ठीक है? हाँ, देखिए, यूजिंग एलिमेंट ए रो ऑपरेशन, ठीक है, ए इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन? आई लिखते हैं। आपको पता है इसको अपन आई बनाएंगे, इसको अपन बी बनाएंगे, इसको अपन ए बनाएंगे, कल ही बताया था मैंने। इसको आई बनाने की कोशिश करते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं। राइट हैंड साइड में जो ये समझा उसको नोट नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ए है उसको तो आई बनाते हैं, राइट हैंड साइड में ए है उसको चेंज नहीं करते हैं, अब जो आई है उसको बी बनाते हैं। आपको पता है ए इनवर्स इनटू ए क्या हो जाता है? आई बन जाता है। इन दोनों को कंपेयर करो आप इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए इनवर्स। दैट मींस ए के साथ जो भी मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? ए इनवर्स होता है। लास्ट क्लास में मैंने यही बताया था, ए के साथ जो भी मैट्रिक्स होगा उनका प्रोडक्ट करने के बाद, इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद वैल्यू क्या आएगी? आई आएगी। यानी कि अगर आपने इसको आई बना दिया और इसको बी बना दिया, या आपका ऐसा क्या ऐसा, तो ए बी मैंने लास्ट क्लास में बताया ए इनटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू ए इक्वल टू आई होता है। दैट मींस ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू ए बी आई है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी? ए इनवर्स आएगी। बी की वैल्यू क्या आएगी? ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है? जो आपका मैट्रिक्स है उसका इनवर्स मैट्रिक्स है। इनवर्स क्या है? जो आपका ड्यूअल मैट्रिक्स है उसका क्या है? इनवर्स मैट्रिक्स है। और वो किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने बात बता दी थी आपको। अब देखिए अपन आई ए इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? अपन आई ए लिख रहे हैं, ठीक है? हाँ, आई ए, ए की वैल्यू बोलो 2111, आई की वैल्यू 1001, इसको चेंज नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला, इसको क्या बनाने की कोशिश करेंगे अपन? 1001 की फॉर्म में। देखिए सबसे पहले इसको जो फर्स्ट एलिमेंट आपका ये वाला, इसको क्या बनाएंगे अपन? 1 बनाएंगे, फिर ऐसे लेंगे 10, फिर ऊपर जाएंगे वापस 01, इस टाइप से लेंगे अपन। पहले 1 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, यूजिंग द एलिमेंट के ऑपरेशंस, तीन ऑपरेशन बताए थे मैंने। तो देखिए यहाँ पे आपका वन है, कभी कभी क्या होगा अपन 10 बनाने के बाद डायरेक्ट ये 0 नहीं बनेगा, अपन 1 बनाएंगे। 10 बनाने के बाद डायरेक्ट 0 नहीं बनेगा तो अपन क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। किस तरीके से करेंगे अपन? देखिए हाँ, तो मैं इसको 1 कैसे बना सकता हूँ? देखिए आर वन में ऑपरेशन लगाता हूँ, आर वन माइनस आर टू, आर वन में ऑपरेशन लगाया आर टू माइनस आर टू। मैंने तीन एलिमेंट्री ऑपरेशंस बताए थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि किस टाइप का ऑपरेशन है, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला, सब लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। थर्ड वाला, बिल्कुल सही बात है, थर्ड वाला है ये, ठीक है? तो इसमें देखिए आर वन में चेंज होगा, आप चेंज किसने कर रहे हो? आर वन में, दैट मींस आर वन में आर टू में चेंज होगा, आर टू ऐसा कैसा रहेगा? मतलब इधर आ जाओ, इसमें भी आर टू ऐसा कैसा है, इसमें चेंज होगा आर वन में, आर वन माइनस आर टू वन आएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, दिस माइनस दिस वन और दिस माइनस दिस भी माइनस माइनस वन। अब देखिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1, आपने इसको 1 बना दिया है, अब इस एलिमेंट को क्या बनाना पड़ेगा? आपको 0 बनाना पड़ेगा, इस एलिमेंट को आपको 0 बनाना पड़ेगा, और ये आपका 0 बन गया है, ये आपका 1 बन गया, इसको 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बना सकते हैं?
देखिए इसको जीरो बनाना बहुत आसान है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप वो ऑपरेशन लगाएंगे जिससे और चीज नुकसान नहीं हो आपको, ठीक है? जो बन गया उसको अच्छे तरीके से रखिए, आप आपका बन बन चुका, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये तो ऑटोमेटिकली बना होता है, ये चीज तो ऑटोमेटिकली है, लेकिन आप इसको बन बनाया, इस एलिमेंट को आपने बन बनाया, इस एलिमेंट को आप जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका ये वन चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए आप, क्योंकि इसको सेट कर दिया आपने। तो अपन क्या करेंगे, आर टू में ऑपरेशन लगाएंगे, आर टू माइनस आर वन, देखिए क्या आएगा, अब की बार आर टू चेंज होगा, दैट मीन्स नीचे वाला चेंज होगा, ऊपर वाला ऐसा कैसा रहेगा, वन में से बन गया जीरो आएगा, और वन में से जीरो गया तो वन आएगा, चेक कीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया क्या, बिल्कुल आ गया है, और यहाँ पे ये भी चेंज नहीं होगा, जीरो पर जीरो में से बन गया तो माइनस वन आएगा, और वन में से माइनस वन गया कितना बचेगा, टू आएगा, दिस वन इज। अब आपको पता है कि जब जब ए के साथ कोई मैट्रिक्स होता है, ए के साथ कोई मैट्रिक्स होता है, उसका प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, दैट मींस वो मैट्रिक्स क्या होता है, उसका इनवर्स मैट्रिक्स। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे अपन बोल सकते हो यहाँ पे लेंस ए इनवर्स क्या आ गया आपका, ए इनवर्स आएगा दिस वन मैट्रिक्स, ठीक है, वन माइनस वन, वन माइनस वन एंड माइनस वन टू, दिस विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड वाले की बात करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, अगर अपन उसकी बात करें, आपके पास वन थ्री टू सेवन लैग कर लिया है, एक वन वन थ्री टू सेवन ये मैट्रिक्स है, क्या लिखेंगे, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ए इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन, आई ए, ए ऐसा का ऐसा, वन थ्री टू सेवन, आई क्या होता है, वन जीरो जीरो वन, ए को चेंज नहीं करेंगे, इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको पता आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, वन जीरो जीरो वन, आपको पता है ये वन तो पहले से आ रखा है, अब इसको क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे, ध्यान रखिए इसको जब जीरो बनाएंगे ये चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना कि आपने सेट कर दिया पहले से सेट है, अब इसको चेंज नहीं करेंगे, किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए इसको जीरो बनाना आसान है, आर टू में ऑपरेशन लगा देंगे, आर टू माइनस टू आर वन, चेक कीजिएगा सही लिखा है, अगर मैं इसमें आर टू दो में लगाऊ ऑपरेशन, इसका डबल कर दो, डबल करके माइनस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, तो बताइए क्या होगा, आर वन चेंज नहीं होगा दोनों तरफ से, यहाँ पे भी आर वन चेंज नहीं होगा, आर टू चेंज होगा, टू माइनस टू इंटू वन जीरो आ गया, सेवन माइनस टू इंटू थ्री सेवन माइनस सिक्स वन आ गया, ठीक है, और जीरो माइनस वन इंटू टू माइनस टू आ गया, वन इंटू माइनस वन आ गया, एक बार ये सो मोड कमेंट कर दो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अरे कमेंट करो ना, ठीक है, आप देखिए ये बन कर गया, ये जीरो बन गया, वन जीरो ये जीरो बनना चाहिए, इसको जीरो कैसे बनाएंगे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऑपरेशन बताइएगा क्या आएगा, जिसको आता है वो बताएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यहाँ एलिमेंट के ऑपरेशन क्या आएगा, ये थ्री जीरो कैसे बनेगा, आर वन में से थ्री आर वन माइनस करेंगे, अरे वाह, आर वन में से थ्री आर वन माइनस करेंगे, आर वन में से थ्री आर टू करेंगे, आर वन में से थ्री आर टू माइनस करेंगे, ठीक है, डेली लाइव क्लास नहीं होगी तो आंसर भी नहीं आएगा,
ये नुकसान है तुम्हारा लाइफ क्लास नहीं लेने का। और दीपक चौधरी बेटा आपके समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे R1 में ऑपरेशन करेंगे R1 माइनस 3R2, ये ऑपरेशन रहेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर बात करते हैं अपन। डन। अरे बेटा आपके पास वॉइस नहीं जाती क्या है? आप जवाब नहीं देते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया, डन लिखना है आपको। हजार बार बोल दिया आपको कि आप क्लास में एक्टिव रहा करो। हाँ जी, अब देखिए यहां पे फर्स्ट रो चेंज होगी, सेकंड रो चेंज नहीं होगी। तो फर्स्ट रो चेंज होगी तो क्या चेंज होगा वो देखिएगा। फर्स्ट रो में क्या चेंज होगा वो देखिएगा। इस वन में से इसका थ्री टाइम्स हो, इसमें से जीरो को थ्री से मल्टीप्लाई करो, जीरो वन में से जीरो गया वन आया। अब थ्री में से इसका थ्री टाइम्स हो वन का, थ्री थ्री में से थ्री गया तो जीरो आ गया, इसमें चेंज नहीं होगा। इसका थ्री टाइम्स कितना होगा? माइनस का सिक्स। वन में से माइनस सिक्स लिया तो सेवन आएगा, जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस टू वन। और ये क्या आ गया आपके पास? ये आ गया आर में ये ए है। हाँ, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। दैट मींस ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया? हेंस ए इनवर्स क्या आ गया आपके पास? ए इनवर्स आ गया सेवन माइनस का थ्री माइनस का टू वन, दिस वन मैट्रिक्स। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको 14 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको मैं। तो 14 क्या 9 नंबर का कंडीशन है, फिर आप 14 तक आप पढ़ोगे। ठीक है, लेट कर लिया है 8 की वैल्यू, 7 देगी क्वेश्चन, फिर 3 10 2 7 बताइए क्या लिखेंगे यहां पे। Using elementary row operation, a equal to क्या है आपका? a equal to आएगा, a equal to आपका आ गया i a। ठीक है, a की वैल्यू होगी 3 10 2 7 और i 1 0 0 1 ए। इसको वन बनाना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1 के फॉर्म में, इसको वन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताइए? ये लो आर वन में से आर टू माइनस कर दो, वेरी गुड। आर वन में से क्या माइनस कर दो? आर टू माइनस कर दो, हाँ जी। तो R1 में ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2 ऑपरेशन लगाएंगे। कितना हो जाएगा यहाँ से? यहाँ से आपका 3 में से 2 गया तो 1, ये 3 ये चेंज नहीं होगा, 1 0 0 1। अच्छा, इसमें चेंज होगा 1 में से 0 गया तो 1 आएगा, 0 में से माइनस 1, और इसमें चेंज नहीं होगा तो 0 आएगा। अब बताइए इसको 0 कैसे बनाएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स सेकंड एलिमेंट को, इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसको 0 कैसे बनाएंगे, 1 0 0 होगा ना, इसको 0 कैसे बनाएंगे? एक का आंसर आया अभी तो, दो का आंसर आया। मैडम मोबाइल तू क्या कर रही है? हैं, 1 2 3 4 5 का आंसर आया।
ये मोहित यादव उमर ये क्या क्या करना है, है? आंसर नहीं दोगे क्या? अब आंसर कैसे दोगे जब डेली क्लास नहीं लोगे तो? अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, आर टू में ऑपरेशन लगाएंगे आर टू माइनस टू आर टू, ठीक है। देखिए अब की बार आर टू चेंज होगा, क्या चेंज होगा? आर टू, आर वन चेंज नहीं होगा, टू को टू से मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, इसको सिक्स सेवन माइनस सिक्स बन जाएगा, इसको टू से मल्टीप्लाई किया सिक्स हो गया सेवन माइनस सिक्स वन हो गया। अब देखो आर वन में चेंज नहीं होगा, इसको टू से मल्टीप्लाई टू जीरो माइनस वन माइनस टू वन से माइनस टू प्लस कर दिया, ये आ गया। अब आपको पता है ये वन आ गया जीरो आ गया, इसको इसको जीरो बनाना है तो बताइए क्या ऑपरेशन लगाएंगे, इसको जीरो बनाना है क्या ऑपरेशन लगाएंगे? थ्री को जीरो कैसे बनाएंगे? ध्यान रखना जब ऑपरेशन लगाए तो आपने जो बढ़ा दिया पहले वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो चेंज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा आपका वहां आर वन माइनस थ्री आर टू, आर वन में ऑपरेशन लगाएंगे आर वन माइनस थ्री आर टू, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, आर वन में चेंज होगा, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करो जीरो, वन में जीरो गया तो वन चेंज नहीं हुआ जीरो, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करो इससे माइनस करो जीरो आएगा और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बन गया काम। इसको थ्री से मल्टीप्लाई करो इसमें से माइनस करो सेवन आ जाएगा, इसको थ्री से मल्टीप्लाई करो इससे माइनस करो माइनस का टेन आएगा और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दिस वन इज नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या आपका ए इनवर्स या आपका ए, क्या आ जाएगा ए इनवर्स, इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया सेवन माइनस का टेन माइनस टू थ्री, ठीक है। हाँ जी स्क्रीन शॉट ले लो इसका। अब थ्री इंटू थ्री ऑर्डर का करते हैं, टू इंटू टू ऑर्डर का कर लो सारे हो जाएगा। आंसर कैसे कंफर्म होंगे आज से क्लियर दूंगा मैं, अच्छा देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि सर पेपर में आंसर कैसे कंफर्म होगा, सीधा देसी जुगाड़ है सर आंसर कैसे कंफर्म करें पेपर में? आपको मैं एक प्रॉपर्टी बता रही हूँ, ए इंटू इनवर्स क्या आता है, आई आता है, आपको ये तो पता ही है ये क्वेश्चन में है आपका ए इनवर्स ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चक्कर आ जाएगा, सही हो गया हुआ कि नहीं? अरे ए तो आपका ये रहा और ए इनवर्स ये रहा, वाई बनेगा क्या दिया आई बनेगा, हाँ देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आप एक बार, 15 नंबर से पहले कोई ऐसा क्वेश्चन में तो हो सकता है डिफाइन दी उसका इनवर्स वो भी चेक कर सकते हैं ना, रुकिए एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप, 6 माइनस 3 माइनस 2 1, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप, लेट कर लिया मैंने a इक्वल टू 6 माइनस 3 2 1, दिस वन क्वेश्चन, ठीक है माइनस 2 1। देखिए आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ऊपर ऐसे बोल रखा था, क्वेश्चन ऐसे बोल रखा था कि a इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता तो फाइंड कीजिएगा, ऐसे बोलता है एग्जिस्ट करता है तो फाइंड कीजिएगा, जो भी जितने भी क्वेश्चन थे मैं एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैंने एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट का कांसेप्ट नहीं बताया मैंने, जब ये क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ लेंगे एग्जिस्ट कब होगा और एग्जिस्ट कब नहीं होगा, ठीक है तो ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे आपका ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स है आपको पता है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, चलो फिर अपन इस क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करना, उसके बाद बताऊंगा कि हिंदी मीडियम को भी मैंने नहीं मिलाया। ठीक है, हो सकता है मैं कल दोनों क्लास कंबाइन कर सकता हूँ। ठीक है, हिंदी मीडियम को भी कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया, इसे दोनों को साथ ही बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15 की बात कर लेते हैं। लेट कर लिया मैंने, लेट ए इक्वल टू आपके पास तो मैट्रिक्स है 2 माइनस 3 3 2 माइनस 3 3। अगला 2 2 3 2 2 3। अगला सर एग्जाम में वेरिफिकेशन करके दिखाना जरूरी है क्या? नहीं, वेरिफिकेशन किसने बोला दिखाना है? वेरिफिकेशन नहीं दिखाना है, वो तो ए इनवर्स आपके पास वैल्यू आ गई एग्जाम में, आपको कैसे चेक करेंगे कि आपका सही है? तो रफली काम करो, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, आई आना चाहिए। ये तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ए इनवर्स आप फाइंड करोगे, मल्टीप्लाई करके आई आएगा तो आपका ए इनवर्स सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 2 2 3 3 माइनस 2 3 माइनस 2 2। अब देखिए यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री क्या लिखेंगे अपन? ए इक्वल टू क्या लेके चलते हैं? आई ए लेके चलते हैं, ए की वैल्यू बोलो आप क्या है, ए की वैल्यू आपके पास 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2 और आपके पास आई कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके बाद आपका ये ए है, ए को तो अपन ऐसा रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा इस ए वाले को, यानी कौन सी फॉर्म में बनाना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ऑपरेशन उन तीनों में से कोई लगेगा। देखिए अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं तो ये जीरो आ जाएगा, आपको जीरो नहीं आ रहा है। इसमें से माइनस कर दूं, माइनस कर दूं, वो भी नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, इसमें से भी माइनस करके कितना आएगा, 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करके 1 आएगा, लेकिन ध्यान रखिए वो यहां पे 1 आएगा। तो अपन क्या करते हैं, किस रो को इस रो के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। क्यों ऐसा करूं? अगर ये 3 यहां पे आ जाए, मतलब मान लो 3 यहां पे आ गया और ये 2 यहां आ जाए, अब 3 में से 2 माइनस करो तो 1 आएगा, मतलब आसान हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन। तो अपन क्या करेंगे, ये 2 है आपका और ये आपका 3 है, तो मैं चेंज कर रहा हूं r1 इंटरचेंज आरथी, यानी कि फर्स्ट रो को थर्ड रो से क्या कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं। फर्स्ट रो को क्या कर रहा हूं, थर्ड रो से क्या कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं। इससे फायदा क्या होगा, देखिएगा ये थर्ड रो ऊपर चली जाएगी 3 माइनस 2 2, ये चेंज नहीं होगा और एक नीचे आ जाएगी 2 माइनस 3 एंड 3। दिस वन इज द मैट्रिक्स और आपका ये भी ऐसे चेंज होगा, ऊपर जाएगा 0 0 1 हो जाएगा और ये 0 1 0 ऐसा का ऐसा 1 0 0 नीचे आ जाएगा और ये मैट्रिक्स ऐसा चलेगा आपका। अब आपकी थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया कि अपन ने इंटरचेंज कर दिया इसको, अब इसमें से माइनस कर दो आप आर वन रो में से आर टू माइनस कर दो आप, कितना होगा देखिए यहाँ पे। अगर मैं देखो अगर मैं R1 रो में R1 माइनस R2 कर देता हूं तो क्या आएगा बताइए, यहां पे आएगा वो देखिए 3 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस का 4 2 माइनस 3 माइनस का। हाँ अब ये ऐसे ऐसे 2 2 3 2 माइनस 3 और 3
इसके बाद क्या होगा आपका, ये हो गया और जीरो में से जीरो गया जीरो, माइनस वन प्लस का वन जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो, और ये आपके पास मैट्रिक्स है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अपन, अब देखिए अब आपको इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है तो बताइए क्या करेंगे आप, बताओ देखिए सेकंड होगा फर्स्ट एलिमेंट को आपको जीरो बनाना है तो आप क्या करेंगे, आर टू में ऑपरेशन लगाएंगे आर टू माइनस आर टू नहीं, देखिए एक काम कर सकते हैं अपन, वो क्या कर सकते हैं अपन, ऐसे कर सकते हैं कि या तो आर टू में आर थ्री माइनस करें, ठीक है, या फिर आर टू में इसको डबल करके माइनस करें, तो अपन ऑपरेशन लगा सकते हैं आर टू में ऑपरेशन लगाएंगे अपन आर टू माइनस आर थ्री लगाए, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो बताइए क्या है, वन माइनस फोर माइनस वन, टू में से टू गया जीरो आया, टू में से माइनस थ्री तो फाइव आया, और थ्री में से थ्री गया जीरो आया, ये चेंज नहीं होगा, इधर आ जाओ जीरो माइनस वन वन माइनस वन वन जीरो वन जीरो जीरो माइनस कर दिया है, अब क्या करेंगे इसको क्या बनाना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा, तो बताइए क्या करेंगे इसको जीरो बनाने के लिए, इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 में से 2R माइनस करेंगे, R3 में से 2R यानी R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस 2R, चेक कर लीजिएगा ये वन रहेगा जीरो रहेगा माइनस फोर रहेगा फाइव रहेगा माइनस वन रहेगा जीरो, ये चेंज रहेगा, टू में से टू मल्टीप्लाई जीरो आ गया, इसको टू से मल्टीप्लाई करो माइनस का एट और माइनस करेंगे तो प्लस का फाइव आएगा, इसको टू से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस का बना रहेगा, चेक करें सही बोला है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा आया है जीरो माइनस वन वन माइनस वन वन जीरो, इसको टू से मल्टीप्लाई माइनस टू से मल्टीप्लाई माइनस टू से मल्टीप्लाई माइनस, ये ए आ गया वन आ गया जीरो आ गया जीरो आ गया, अब देखिए इसको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाएंगे इसको, तो किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए एक काम कर सकते हैं आप, इसको जीरो बनाओगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं बनेगा जीरो, एक काम कर सकते हैं आप इन दोनों को ऐड कर दो, आप इस रो को ऐड कर दो, देखिए क्या बनेगा, ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं अपन, डन बेटा सब कमेंट करो डन सर, हाँ जी अब देखिए अब क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, देखिए एक काम करते हैं अपन, इसमें आपको पता है वन बन गया जीरो बन गया जीरो बन गया, ये भी जीरो बन रहा है, अगर मैं एक काम करूं आपको पता है ये माइनस का फोर है, आप इसमें से ही माइनस फोर की कभी जीरो नहीं आया, इसमें से मान कभी जीरो नहीं आया, अगर यहाँ पे मान लो आपने क्या कर दिया ऐड कर दिया तो यहाँ पे कितना प्लस का बना जाएगा, प्लस का बना आएगा और यहाँ पे माइनस, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, एक काम क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं इसको फाइव से डिवाइड कर दूँ तो जीरो बन जाएगा, इसको फाइव से डिवाइड कर दो आर टू को, सॉरी ये जीरो तो नहीं बन रहा, लेकिन मैं इसको वन बना सकता हूँ, इसको फाइव से डिवाइड कर दो, मैंने बताया था वन जीरो जीरो अगर ये नहीं बनता तो अगले वाले को बनाते हैं, तो इसको अपन क्या करते हैं आर टू फोर में ऑपरेशन लगाते हैं वन बाई फाइव आर टू, क्या मेरी बात को समझ रहे हो, कितना आएगा यहाँ से वन माइनस फोर वन इज जीरो,
जीरो को फाइव से डिवाइड, जीरो ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया मैंने, इधर भी कुछ ऐसे करना पड़ेगा। देखिए कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वन माइनस वन अपॉन फाइव हो जाएगा, वन अपॉन फाइव ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, टू हो जाएगा। वन टू माइनस और ये चल रहा है, ये बन गया जीरो, बन गया जीरो, बन गया ये जीरो नहीं बना, ये वन बन गया। अब बताओ क्या करेंगे, वन आएगा। अब ये जीरो बन सकता है, अब ये जीरो कैसे बन सकता है, अब ये जीरो ऐसे बन सकता है कि मैं आर वन में ऑपरेशन लगा दू, आर वन प्लस फोर आर टू। चेक करो देखो, अगर मैं आर वन में ऑपरेशन लगाऊ इसका चार से मल्टीप्लाई, देखिए जब ऑपरेशन लगाओ आप, ये भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, आपने चार को सेट कर दिया, ये तो हो जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपने किया ही नहीं है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको जीरो बनाने की कोशिश करें, जीरो बन गया ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको चार से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो वन आएगा, इसको चार से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो जीरो आएगा, चार से मल्टीप्लाई आएगा जीरो वन जीरो जीरो फाइव वन। अब एक थोड़ा सा बच गया है इसमें, हाँ जो इसको चार से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो माइनस का फोर वाई का है, इसको चार से मल्टी, देखो एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, आप इसको चार से मल्टी करो फोर वाई फाइव का है, माइनस वन में फोर वाई फाइव का है, लेकिन सोल्व करने के बाद कितना आया माइनस का फाइव का फाइव है, इसको चार से मल्टी कर तो वन आया ठीक है। और ये चेंज नहीं होती, माइनस का वन अपॉन फाइव, वन अपॉन फाइव जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा वन टू माइनस। सर पहले ये भी तो कर सकते हैं कि आर थ्री में से आर थ्री माइनस आर टू, बेटा कुछ भी कर सकते हैं लेकिन वो सही होना चाहिए ठीक है, करने को तो कोई भी ऑपरेशन लगा सकते लेकिन वो सही होना चाहिए। अब आ जाओ यहाँ पे, अब अपना लास्ट पॉइंट बच गया देखिए, हाँ अच्छा एक तो ये तो जीरो बनना चाहिए, ये भी जीरो बनना चाहिए, तो बहुत आसान काम हो गया। किस तरीके से जीरो बनाएंगे, आर फाइव में से नहीं सॉरी आर थ्री में से आर थ्री माइनस थ्री आर वन थ्री आर टू कर देंगे, नहीं फाइव आर टू, फाइव आर टू तो कर लो कितना आया यहाँ पे, अच्छा ठीक है कर दो माइनस, तो कितना आ जाएगा ये वन जीरो जीरो नहीं वन जीरो वन जीरो वन जीरो, इसको टाइम कम बचा था इसको इससे करना पड़ेगा, जीरो में से फाइव से मल्टीप्लाई करना उसको, और इसको जीरो में से फाइव से मल्टीप्लाई जीरो, ये जीरो ये वन, इधर भी ऐसे करेंगे ठीक है, तो माइनस का फोर अपॉन फाइव, माइनस का वन अपॉन फाइव वन, माइनस का वन अपॉन फाइव, वन अपॉन फाइव जीरो, और यह आपका वन में से इसको फाइव से मल्टीप्लाई किया था माइनस किया था तो ये प्लस का टू आ जाएगा ठीक है, इसको फाइव से मल्टीप्लाई किया माइनस किया फिर वन आ जाएगा, और इसको फाइव से माइनस टू। अब बताओ क्या करेंगे, एक लास्ट ऑपरेशन मैं लिख देता हूँ वो आप करेंगे, सिंपल सा बताओ क्या करेंगे। अब आपको ये जीरो बनाना है, ये वाला जीरो कैसे बनेगा, आप ऐसे करेंगे आर वन में ऑपरेशन लगाएंगे आर वन माइनस आर थ्री, इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, स्क्रीन शॉट ले लो, इसको सोल्व करने के बाद ये जीरो बन जाएगा और आगे की मैट्रिक्स बन जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया होगा या सोनो में कमेंट भी कर दो।